नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं द खबरदार न्यूज पर। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। खबर है रीवा जिले से, जहां रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने त्योथर तहसील मुख्यालय का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जांच की और आवश्यक निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने त्योथर तहसील कार्यालय में अधिकारी की बैठक कर कार्यों का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने त्योथर में बन रही सीएम राज स्कूल का भी निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की जांच की। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने क्षेत्र में संचालित हो रहे अवैध रेत खनन और परिवहन को लेकर जल्द ही कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। आज का जो विजिट है, बेसिकली अपना चूंकि खरीदी केंद्रों पर जो खरीदी का काम है वो अंतिम चरण में है, अपनी 80% से ज्यादा खरीदी हो चुकी है और जो धान उपार्जन की मात्रा है वो भी लगातार सभी केंद्रों से अब उठाव होकर के वेयर हाउस और मिलिंग के लिए जा रहा है। त्योथर की जो खरीदी केंद्र है, चूंकि त्योथर बेल्ट में अपने यहाँ धान का एरिया ज्यादा है, धान होता भी खूब है, तो इसलिए यहाँ पर जो अभी जिन केंद्रों पर जो भी धान की मात्रा बची हुई है उसका उठाव टाइमली हो जाए, किसानों ने जो अपना माल बेचा है उनको उसका पैसा समय पर मिल जाए, ये हम लोग की प्राथमिकता है। इसीलिए पूरी जो फूड की टीम है, नान की टीम है, वेयरहाउस की टीम और सीसीबी सभी टीम्स इस काम में लगी हुई हैं। आज यहाँ आई भी हूँ, जो सभी बाकी बचे हुए खरीदी केंद्रों का भी विजिट करके इसको और स्ट्रीमलाइन करेंगे। तो उद्देश्य ये है कि जिन लोगों ने खरीदी की है उनका पैसा उनको समय पर हो और खरीदी का जो माल आया है वो भली प्रकार से सुरक्षित तरीके से वापस जा करके वेयरहाउस में जमा हो जाए। मैम, अभी आपने सीएम राइज स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में लाइट हाउस की तरह काम करेंगे और ये बिल्डिंग्स पूरे जिले भर में अपने यहाँ 12 सीएम राइज हैं, मऊगंज और रीवा जिले दोनों को मिला करके, तो उनमें से लगभग अपने यहाँ 10 जगह काम चल रहा है। ये काम अब सभी जगह शुरू हो गए हैं, काम गुणवत्ता से हो, काम जो तय ड्राइंग डिजाइन है उनके अनुसार हो। और ये स्कूल्स न सिर्फ ये ऐसी योजना है जिसमें न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया गया है बल्कि स्कूलों के जो करिकुलम है, पढ़ाने का तरीका, टीचर्स ट्रेनिंग, किस तरीके से बच्चों के सर्वांगीण विकास पे काम किया जा सके, सीएम राइज, इन सभी चीजों का एक समेकित तैयारी है। तो आने वाले समय में जैसे ही बिल्डिंग्स बनकर तैयार होंगी, इसमें बच्चों को न सिर्फ पढ़ने के लिए अच्छा वातावरण मिलेगा बल्कि नए तरीके से ट्रेन टीचर्स, नई तरीके की जो शैक्षणिक पद्धतियां हैं वो भी सीएम राइज में बच्चों को उनका लाभ मिलेगा और जो अपना शासकीय शैक्षणिक व्यवस्था है उसमें ये लाइट हाउस की तरह काम करेंगे। ना सिर्फ खुद अच्छा काम करेंगे बल्कि इनके पढ़ाने के तरीके को देख करके, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देख करके बाकी स्कूल जो हमारे शासकीय व्यवस्था के हैं वो भी प्रेरणा लेंगे और प्रभावित होकर उनके काम भी बेहतर। मैम, त्योथर तहसील मुख्यालय से महत्वपूर्ण त्योथर बाजार के आगे तमसा आरती घाट स्थित है, वहाँ दिन रात अवैध रेत का परिवहन एवं खनन होता रहता है, रोजाना 500 रेत निकाली। हम लोग माइनिंग डिपार्टमेंट के माध्यम से इसकी जांच कराएंगे, यदि कोई ऐसी जगह है जहाँ अवैध माइनिंग, अवैध ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो माइनिंग डिपार्टमेंट इस पर कार्रवाई करेगी। निरीक्षण के दौरान त्योथर सदर SDM PK पांडे, त्योथर जनपद CEO राहुल पांडे, तहसीलदार राजेश तिवारी सहित खाद्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। एक खबर भेजी है रीवा से हमारे रिपोर्टर आशुतोष शुक्ला ने। इसके साथ आप सभी से अनुरोध है कि आप हमें बताएं कि रीवा की सबसे मूलभूत समस्या क्या है। आप अपनी समस्या कमेंट के माध्यम से या हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर भी भेज सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं। आपका अनमोल समय देने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे आपको अगली ऐसी ही किसी खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।